next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हमारा क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 2, जहां पर हम लोगों ने कल एक चैप्टर चालू किया था, दैट इज व्हाट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस चैप्टर का, ठीक है, राइट। तो देखिए, मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए, उनमें कहा कि सर आप इतना डीप स्टडी मत कराइए, बिकॉज हम लोगों के चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो बेटा देखिए, अगर मैं सिंपल सा आपको पेपर दे दूं, और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहां पर, वो ये मेन मोटो मेरा ये था कि देखिए, जो आपका एमसीक्यू पोर्शन है, ठीक है, और जो 20 मार्क्स का एडिशनल पोर्शन जो बोर्ड ने इस साल चालू किया है, दैट इज कंप्लीटली इंटेक्स, बिल्कुल अंदर से डीप से कुछ चीजों को लेते हुए आएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर डीप एनालिसिस हम लोग इन सारी चीजों का रेगुलर वे में करेंगे, ठीक है, राइट। सेकेंड चीज जो आप एक नोट करें कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आज कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशंस हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। दूसरी चीज कि हमारा जो मैथ्स का चैनल है, दैट इज व्हाट ब्रेन मीजल्स, आपने अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख लिया होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया है, और उस चैप्टर के अंदर आज कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, कुछ केसेस का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, और उसके साथ साथ आज उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोगों को, यानी कि आप लोगों को एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, ये हुआ तो वीडियो का बात, अब बात करते हैं हम लोग आज के वीडियो की। आज का वीडियो जो है, हम लोग आज पढ़ेंगे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स नंबर 1। सेकेंड टॉपिक जो हम आज खत्म करेंगे, दैट इज व्हाट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे शेड्यूल्ड के हिसाब से ये चैप्टर 4 से 5 दिन चलेगा, और उन 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग इस चैप्टर की हर गहराई को, हर चीज को एक बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और हमारा आज का चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लें, ठीक है, मैंने कोशिश करी है बनाने की, लेकिन जितना बना उतना ही बना पाया। कुछ लोगों का हमारे साथ वालों का कहना है कि डायग्राम गंदा है, लेकिन फिलहाल हमें समझ में आ जाए तो वो उतनी अच्छी बात है, ठीक है ना, राइट। तो चलो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखते हैं। न्यूट्रिशन का प्रोसेस 5 चीजों को मांगता है, पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, कितने को, 5 को मांगता है, कितने टॉपिक्स को मांगता है, 5 को। ये 5ों हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, और किस किस जगह होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पहला फूड जो है हम लोग इनटेक करेंगे, दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन, अंदर गया तो माउथ से इंजेशन का प्रोसेस खत्म, ठीक है। माउथ के अंदर फूड थोड़ा 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 चबना चालू होगा, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग केनाल होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है, राइट, दैट इज व्हाट एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल के एक कोने पर माउथ जुड़ा हुआ है, बाकी एक कोने पर ये सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ें, न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ें, तो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ऑर्गन्स ओनली, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंड्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, एंड इट इज कंप्लीटली अ ऑर्गन सिस्टम। इतनी सारी चीजों से मिलकर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इतनी सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, वो 5 से 6 चीजों से मिलकर जुड़ा हुआ है, पूरा डाइजेशन ये 5 से 6 चीजें करती हैं। एंड द लॉन्गेस्ट मोल केनाल सिस्टम इज ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल, बहुत बड़ा केनाल सिस्टम है, ठीक है, राइट। अब देखिए, फूड का सीक्वेंस बताता हूं, मुंह में खाया, माउथ, माउथ से पहुंचा इसोफेगस, इसोफेगस से पहुंचेगा स्टमक, स्टमक से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस घूम के लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरीके से बॉडी से फूड बाहर। 5-स्टेप प्रोसेस, माउथ, स्टमक, सॉरी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद हम लोग बॉडी से उसका एक्सक्रीशन सिस्टम परफॉर्म कर देते हैं। तो ये 5ों से 6ों चीजें, इन 5ों 6ों चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए चलती है, ठीक है। इन बिटवीन स्टमक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं,
ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं जो हमारे उस डाइजेशन को खत्म करने के काम में आती हैं, उस डाइजेशन को सिंप्लीफाइड करने के काम में आती हैं, और जो सॉलिड फूड मैंने खाया है ठीक है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जो सॉलिड फूड स्टार्च जो हम लोगों ने कंज्यूम किया है उसको सिंप्लीफाइड करना, उससे एनर्जी लेना, और एनर्जी लेने के बाद उसका एक्सक्रीशन करना जो वेस्ट बचा है, ठीक है। तो यहां पर दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तीन प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। कौन से तीन प्रोसेस? नंबर वन इज फूड का डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के साथ ब्रीथिंग का प्रोसेस कनेक्टेड है, ब्रीथिंग के प्रोसेस के साथ डाइजेशन के साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस कनेक्टेड है। तो हम तीन प्रोसेस एक कहानी, तीन प्रोसेस एक कहानी। पहला हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग, और इसी को जोड़ दूंगा मैं आपके रेस्पिरेशन के साथ, क्योंकि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग है, सांस लेना और खाने का टूटना अलग है, इसीलिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन भी अलग है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं प्रोसेस सिंप्लीफाइड मैनर में। सबसे पहले माउथ लिया, ये एक ऑर्गन है, हमने खाने को खाया, हमारे पास टीथ अवेलेबल हैं, टीथ चार तरीके के हैं, ठीक है, राइट, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले खाने को काटने के काम में आते हैं, क्योंकि हम सॉलिड फूड खाते हैं, बड़ा होता है साइज में, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले काटा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड है, बकल कैविटी के अंदर हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी में माउथ के अंदर सीक्रेट होता है सबसे पहले, और वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ने के काम में आता है, ठीक है। जो इसका पीएच लेवल है दैट इज कंपैरेटिवली सलाइवरी अमाइलेज का, ठीक है, दैट इज व्हाट 6.8, ठीक है। तो हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन होना चालू होता है, खाना सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, ठीक है ना। तो खाना सॉलिड है, रफ है, उसके अंदर मुंह में पानी मिक्स होगा, कौन मिक्स करेगा? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, राइट। जैसे हमने सुना कि भाई हमारे मैगी सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। रसगुल्ले का नाम सुनते ही, किसी भी मिठाई का नाम सुनते ही, कोई ऐसा खाना जो हमें बहुत पसंद है उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, आधो के आ भी रहा होगा, ठीक है ना, छुपाए नहीं, ठीक है। तो वो स्टार्च को, वो जो स्टार्च है उसको तोड़ने का काम करता है, उसका पीएच 6.8 खाने के साथ मिक्स हुआ, ठीक है, और उसको कैसा सब्सटेंस बनाया? चिपचिपा सब्सटेंस, ठीक है। अब क्या होता है, वो खाना पैरास्टेलिटिक मूवमेंट करता है इसोफेगस में, ऐसे 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 ऐसे, और खाना नीचे जाता है। यहां पर इसोफेगस जो है वो सिर्फ एक कनेक्शन करने का काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, किस किस के बीच में? दो चीजों के बीच में। कौन कौन सी दो चीजें? हमारा माउथ, जहां पे फूड का डाइजेशन चालू हुआ था, खाने को तोड़ना चालू किया था, ब्रेक डाउन करना चालू किया था, और स्टमक के अंदर। स्टमक जो है बेसिकली एक जे शेप्ड ऑर्गन होगा, लोअर एब्डोमेन लेफ्ट साइड लोकेटेड होगा, ठीक है ना, राइट। अब इस स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं? कि खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन्स आया है, उस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, स्टमक मेन एक्शन प्रोटीन पे करता है, ठीक है ना, तो उस प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। तो उसके लिए स्टमक में तीन चीजें सीक्रेट होती है, प्रेजेंट होती है। वन इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच बहुत कम है, दैट इज व्हाट 1.8, ठीक है, बहुत एसिडिक मीडियम है, ठीक है, कभी कभी हमें एसिडिटी होती है, इट इज ड्यू टू व्हाट? द प्रेजेंस ऑफ HCl। दूसरा म्यूकस, और तीसरा है हमारे पास पेप्सिन, ठीक है। HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना हमारे स्टमक के अंदर, ताकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर सके, तोड़ सके, और पेप्टाइड्स फर्दर अमीनो एसिड्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड देन फर्दर टू यूरिया। जो अनडाइजेस्टेड बचता है, जो टूट नहीं पाता, वो यूरिया के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स, और जो अनडाइजेस्टेड बचा दैट इज कन्वर्ट इनटू यूरिया, ठीक है, राइट। और दूसरा काम HCl का, कि हमारे स्टमक में जो खाने के साथ बैक्टीरिया गया, जो गंदगी गई, उसको मारना, ठीक है, सो किल बैक्टीरिया। सेकेंड म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है? ये स्टमक के चारों तरफ
एक वॉल प्रोवाइड करता है, चिपचिपी जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो एक वॉल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो HCl है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इस ग्लैंड को, इस स्टमक को जला नहीं सके। कभी कभी हमारे पेट में जलन होती है जब हम ज्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, क्यों? म्यूकस का एक्शन कम हो गया और एसिड का एक्शन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इंटरनल वॉल्स, इंटरनल लिनिंग्स ऑफ द स्टमक जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, राइट। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है फूड का, इसके बाद फूड पहुंचा पेट में से चलते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहां पर एक स्प्रिंचर होता है, ठीक है, स्टमक में से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एक स्प्रिंचर नाम का ऑर्गन होता है, एक अपन ऐसे बोल सकते स्प्रिंग टाइप एलिमेंट होता है, वो फूड को धीरे धीरे इसमें खाली करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सबसे बड़ी इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक टेनिस कोर्ट जितना लंबा भी हो सकता है ये, राइट, इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो बहुत स्ट्रॉन्गली कॉम्पैक्ट साइज में अवेलेबल होता है अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, और खाना पूरी तरीके से टूटता इसी के अंदर है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज डिफरेंट है, जितने भी सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स को खाने वालों का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बहुत बड़ा होता है। क्या कारण है उसका साइज बड़ा होने का? क्योंकि उनका जो फूड है उसमें से सेलुलोज धीरे धीरे टूटता है, इसीलिए खाना लंबे समय तक रहे और उससे पूरा सेलुलोज लिया जा सके, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब लिए जा सके, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। लेकिन जो बेसिकली कार्निवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है, कारण क्योंकि उनका जो फूड है वो बहुत जल्दी, बहुत फटाफट, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी मैनर में क्या कर सकता है, टूट सकता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। यही एक कारण है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा और इसीलिए ऑर्गेनिजम्स का जो इंटेस्टाइन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए जितना भी सीक्रेशंस है एंजाइम्स का, ठीक है, और जूसेस का, वो सबका सब स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है ताकि खाना पूरी तरीके से क्या हो सके, पच सके, ठीक है। और जब वो खाना डाइजेस्ट होगा तो यहां से ही ट्रांसपोर्टेशन और एसिमिलेशन का काम चालू हो जाएगा। तो अभी तक सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है इंजेशन, दूसरा चल रहा है डाइजेशन, अब यहां से एसिमिलेशन और ट्रांसपोर्टेशन होना क्या होगा, चालू होगा, ठीक है, राइट। तो अब क्या होगा, देखिए यहां पर कुछ चीजें अवेलेबल है, पहला है लिवर और दूसरा है यहां पर पेनक्रियास, दीज आर लिवर एंड दीज आर पेनक्रियास। लिवर का काम है बाइल को सीक्रेट करना, ठीक है, बाइल को सीक्रेट करना, क्रिएट करना, बाइल सीक्रेशन होता है। बाइल एक येलोइश कलर का लिक्विड होता है जो कि जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वो उस मीडियम को एसिडिक से एल्कलाइन करता है, क्योंकि अब यहां पर जो काम होना है वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में हो सकता है, क्योंकि यहां पर पेनक्रिया से तीन डिफरेंट ग्लैंड से जूसेस आ रहे हैं, कौन कौन से, वन इज अमाइलेज, सेकंड वन इज ट्रिप्सिन एंड द थर्ड वन इज लाइपेज, तीन जूसेस आ रहे हैं। इन तीनों का काम सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में ही चलता है, ये ध्यान रखें, कौन से मीडियम में चलता है, बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले बाइल एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करता है और जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स है बड़े बड़े, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हुए मॉलिक्यूल्स को, उनको तोड़ने का काम करता है फैट्स को, दैट इज व्हाट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है, इज दैट क्लियर। अब ये बाइल लिवर में सीक्रेट होता है, लेकिन लिवर में से ये गॉल ब्लैडर में पहुंचता है और वहां पर स्टोर हो जाता है। तो बाइल स्टोर कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में, बनता कहां पर है, लिवर में। दोनों बातों को ध्यान रखो, दिमाग से सोचो, ठीक है, नंबर अपने आप चल के आएंगे। तो ध्यान रखें लिवर में बाइल बनेगा, स्टोर कहां पे होगा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर स्टोरेज, लिवर क्रिएशन, ठीक है। अब उसके बाद जब इसका सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ
और मीडियम बेसिक बन गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो गया, तो अब अमाइलेज ने स्टार्च को ब्रेक डाउन किया, वन ट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया। अब आप बोलोगे कि सर ट्रिप्सिन और पिप्सिन फंक्शन तो एक ही है, प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं, तो बेटा अभी भी कुछ प्रोटीन बच जाता है जिसको तोड़ना जरूरी होता है। दूसरी चीज, ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम में काम कर रहा है और ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, ठीक है। इट फर्दर डिक्रीजेस टू, ठीक है, ब्रेक डाउन टू अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड देन फर्दर जो अमीनो एसिड्स फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होंगे और यूटिलाइज नहीं होंगे वो यूरिया में बदल जाता है। लाइपेज अगेन जो फैट मॉलिक्यूल्स बच गया है उसको फर्दर तोड़ना, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कुछ इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोस में बदलते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है, जो खाना बच जाता है वो स्टार्च में बदलता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो खाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इज दैट क्लियर? उसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन है और इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है विली। विली का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या करना? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना जिससे जो फूड टूटा है वो एब्जॉर्ब हो सके। क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहीं पर चालू हो गया। अब वो फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, ठीक है, राइट। तो अब यहां पर क्या आया हमारे पास कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन अब बात आती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने खत्म किया, जो फूड हमने खा के खत्म किया, अभी वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचेगा कैसे और वो फूड टूटेगा कैसे, ठीक है। स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद खाना टूटता कैसे है, किसकी मदद से टूटता है, वो सारा का सारा प्रोसेस हम लोग दो प्रोसेस में पढ़ेंगे। वन इज ब्रीथिंग एंड द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग का मतलब अंदर की सांस, ठीक है, सांस बाहर छोड़ी, ठीक है। तो ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सांस लेना, सांस छोड़ना, फिर सांस लेना, फिर सांस छोड़ना, ठीक है। तो ब्रीथिंग दो प्रोसेस एक साथ करता है, एक सांस लेना इनहेलेशन, दूसरा सांस छोड़ना, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं है ये है ब्रीथिंग, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग के अंदर हम लोग सांस लेते हैं और उसके बाद सांस को छोड़ते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, हमारी बॉडी में डायफ्राम बना हुआ है, लोअर सेक्शन है, यहां से चलेगा, ठीक है। ये डायफ्राम है, लोअर सेक्शन यहां से चलता है। इसके ऊपर हमारा सारा लंग्स है, ठीक है ना, ट्रैकियाज है, ये सारी चीजें हैं। होता क्या है, अब देखो कि जैसे ही हम लोगों ने इनहेलेशन किया, आप नोटिस करें कि जो लोअर कैविटी है ये नीचे गया और ये चेस्ट कैविटी है अपवर्ड आया, ठीक है। और जैसे ये चेस्ट कैविटी अपवर्ड और बाहर की तरफ निकला, जो यहां पर लंग्स बने हुए हैं इस पोर्शन में, ठीक है, इन लंग्स का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे इन लंग्स का साइज इंक्रीज हुआ और हमने सांस ली, तो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से ट्रैकियाज, ट्रैकियाज से ब्रोंचाई और ब्रोंचाई से जाते जाते वो लंग्स में पहुंच जाते, ठीक है। अब क्या होता है, लंग्स के अंदर ही डायफ्राम नीचे गया है और यहां पे समवॉट लंग्स बने हुए हैं, ठीक है ना। और यहां से नॉस्ट्रिल से होते हुए एक पाइप इस तरीके से आ रहा है और यहां पर लाके सारी चीजें छोड़ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा ही यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहां पे चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन रिच पहुंच गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर छोटे छोटे से एल्वियोलीज बने हुए होते हैं यहां पर, इन पे भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है,
ठीक है, और इनसे ब्लड वेल्स जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है। इन एल्वियोलीज के पास आता है ब्लड, ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन ने क्या करा, सारे के सारे ऑक्सीजन को उठाया, और उस ऑक्सीजन को उठाने के बाद बॉडी में से ट्रांसमिट होते होते यहां पर ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, क्योंकि फूड पूरा यहीं टूटेगा, कहां टूटेगा, यहीं पे टूटेगा, ठीक है। तो सारा ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरे खाने को ऑक्सीजन मिला, ठीक है ना, मेरे खाने को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और जैसे ही मेरे खाने को ऑक्सीजन मिलेगा, देखो अब कौन सा प्रोसेस चालू होगा, ठीक है, अब प्रोसेस चालू होगा ऑक्सीजन मिलते ही रेस्पिरेशन का। किसका प्रोसेस चालू हुआ, रेस्पिरेशन का। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है फूड का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, खाने का टूटना, और टूटने के बाद मेरी शरीर को एनर्जी मिलना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब दो प्रोसेस मैंने एक साथ समझाए, वन इज ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना, लंग्स ऑपरेट हो रहा है, सेलुलर पार्ट नहीं है, इसके अंदर फिजिकल बॉडी यूज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है, इट इज नॉट अ सेलुलर प्रोसेस, ऑर्गन प्रोसेस है, साइट क्या है, लंग्स, ठीक है। बट रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड और एनर्जी का रिलीज होना, लेकिन ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, सिर्फ रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है एनर्जी रिलीज करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है जहां पर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज व्हाट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, विच इज ऑल्सो नोन एज करेंसी यूनिट, ठीक है ना, राइट, वापस यहां पे लिख रहा हूं, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, तीन फॉस्फेट है इसके अंदर, ठीक है ना, दिस इज व्हाट एटीपी करेंसी यूनिट, किसकी, एनर्जी की, तो एनर्जी करेंसी यूनिट, ठीक है ना, दिस इज व्हाट एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट इज एनर्जी करेंसी यूनिट, ठीक है ना, और ये कहां पर प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स ग्लूकोज, ठीक है ना, राइट, एनर्जी देता है, ठीक है, प्लस यहां से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये फूड ग्लूकोज की फॉर्म है, ऑक्सीजन, तो ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी विल गिव यू फूड प्लस ऑक्सीजन, यहां पे जैसे ही फूड से ऑक्सीजन जुड़ा एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एंड सेकेंड विल बी एन एरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे लार्ज एनर्जी मिलेगी, लार्ज एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होगी, फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन, फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, खाना पूरी तरीके से टूटेगा, ठीक है, इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, खाना पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, तीन एंड प्रोडक्ट्स होंगे, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और लार्ज कंटेंट ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट विल बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, बाकी प्रोसेस में बचा हुआ इसका यहां लिख रहा हूं, ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड पार्शियली ब्रेक डाउन होता है,
लो कंटेंट ऑफ एनर्जी मिलता है हम लोगों को, लो कंटेंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एंड प्रोडक्ट एल्कोहल, एल्कोहल या फिर बोलूं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लो कंटेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ज्यादातर प्रोसेस आपको फर्मेंटेशन के अंदर मिलेगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो यीस्ट परफॉर्म करती है जनरली, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, वन इज एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, राइट। देखिए हमारे यहां पर सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरकनेक्टेड करके, ठीक है, जो ग्लूकोज है, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, क्या होता है उसका ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन, और वो पायरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहां पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, यहां पे 6 हैं, यहां पर 3 कार्बन है। अब अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। अब लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, नो O2, ठीक है, तो ये टूटेगा C2H5OH इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लो एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से पायरिक एसिड, पायरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लो एनर्जी कंटेंट। इज दैट क्लियर, आया समझ में? तो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये एनर्जी जो यहां पे निकली ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी, गई एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो गई। अब वहां से जब पूरी बॉडी में से वेस्ट आया, वापस से ये इसी ब्लड वेसल्स को मिला, इन्होंने लाके वापस से लंग्स में दिया, और लंग्स में हमने एक्सहेलेशन किया, सांस ली, सारी ऑक्सीजन अंदर, सारी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऑक्सीजन बाहर। तो इनहेलेशन करते समय डायफ्राम नीचे जाता है और ये चीज ऊपर आती है, लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है और ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा अंदर जाता है, ठीक है। एक्सहेलेशन करते समय हम प्रेशर करते हैं तो ये चीज नीचे जाती है, डायफ्राम ऊपर आता है, दोनों एक दूसरे से प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस किया तो मैक्सिमम जो गंदी गैस है वो कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, राइट। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। नॉर्मल पर्सन बहुत अच्छी से ब्रीथ करता है, ठीक है, लगभग 15 से 18 बार का हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है पर मिनट में एक इंसान के अंदर। लेकिन अगर हम रनिंग करेंगे तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो ज्यादा फूड टूटेगा, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी नहीं मिली तो हमारी बॉडी के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसके अंदर एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैम्स आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जनरली जब हम रनिंग करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलने के बाद हम हाफने लग जाते हैं। क्यों हाफते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली और फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और मेरा खाना टूटा, और जब मेरा खाना टूटा तो वहां पर लैक्टिक एसिड मिला जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ गए। तो अगर हम गर्म पानी लगाएंगे वहां पर तो वो क्रैम्प्स ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। Is that clear? ठीक है, तो ये कंप्लीट रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, ब्रीथिंग का प्रोसेस हुआ हम लोगों के अंदर और रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो गाइस आज हमने 3 टॉपिक खत्म किए, टॉपिक नंबर 1 जो खत्म किया डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। यहां कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो चलिए आज हमारी वीडियो को यहीं पर अल्पविराम देंगे, कल हम लोग आपसे वापस मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग आकाश जैन ऑन लिटिल स्कॉलर्स, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हमने तो कहा है हम मार्क्स लाएंगे नहीं, मार्क्स आएंगे तो जरूर आएंगे, क्योंकि हम करके दिखाएंगे। थैंक यू, सी यू।